शेखपुरा जिला में बिहार गृह रक्षक स्वयं सेवक संघ ने बैठक की। बैठक में संघ की केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारी भी शामिल हुए। जिला समाहरणालय के बाहर खुले में आयोजित सभा में केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारी और प्रदेश के संगठन सचिव रामाशंकर भारती ने आरोप लगाया, हमारे होमगार्ड के जवानों से बड़े अधिकारियों के आवासों पर गाय गोबर का काम कराने के साथ ही बच्चों को खिलाने का काम भी किया जाता है। जो जवान इन कार्यों को करने में असमर्थता जताते हैं उन्हें गलत आरोप लगाकर निलंबित कर दिया जाता है। सभा में होमगार्ड जवानों को संबोधित करते हुए भारती ने 15 अक्टूबर से होने वाले आंदोलन के लिए कमर कसकर तैयार रहने की अपील की है। कहा, यह आंदोलन बढ़ा तो सरकार पर दबाव बनाने के लिए हमें अपने हथियार भी जमा करने के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने बिहार पुलिस की तरह सेवा शर्त और सुविधा की मांग करते हुए कहा, होमगार्ड जवानों की स्थिति बंधुआ मजदूर की तरह है, 24 घंटे ड्यूटी ली जाती है और मजदूरी एक सामान्य मजदूर से भी कम। सभी कर्मियों को अभी 50% महंगाई भत्ता मिलता है मगर होमगार्ड जवान को मात्र 7% ही मिलता है। 21,500 रुपया हमको मूल वेतन तय हुआ सरकार से और 7% डीए दे के 774 रुपया वर्तमान में अभी हमारे गृह रक्षकों को दिया जा रहा है जो बधुआ मजदूर के तरह। ये इसके 774 में इतनी विश्व महंगाई में इसका गुजर बसर होना, बच्चों को पढ़ाना नामुमकिन है। ये बद से बदतर इनका जीवन माने बसर हो रहा है क्योंकि इतनी महंगाई में पूरे बिहार में पूरे केंद्र में आज 50% डीए दिया जा रहा है लेकिन हमको मात्र 7% डीए दे के और 774 रुपया दे के हमको एगो लॉलीपॉप खिलाए हुए हैं नीतीश जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अध्यादेश आया, माननीय उच्च न्यायालय का अध्यादेश आया कि पुलिस बल के समानांतर वेतन, सम्मान काम का सम्मान वेतन और तमाम सुविधा दिया जाए। तो इसके लिए हम बराबर सरकार में पत्राचार रूबरू होके भी बात रखा लेकिन आज तक बिहार सरकार अनसुनी किए हुए है। इसलिए हम केंद्रीय कमेटी में कार्यकारिणी में निर्णय लिया कि भाई चरणबद्ध हम लोगों को आंदोलन करना होगा। और जब कार्यकारिणी में जब हम मीटिंग में पारित किया इसको तो पूरे बिहार के प्रदेशों का अध्यक्ष सचिव डेलीगेट के सामने में हम तमाम लोगों से सहमति लिया। इन्होंने कहा कि नहीं, लड़ाई हमको लड़ना है अपने अधिकार के लिए, तो इनसे इजाज़त लेके और हम लोगों ने चरणबद्ध आंदोलन करने का फैसला लिया जिसमें दो चरण का आंदोलन संभवतः माने हम लोग समाप्त किया है। पहला चरण में 5 दिन काला बिल्ला लगा के और अपने मांगों के समर्थन में सरकार के विरुद्ध किया है। दूसरे चरण में पूरे बिहार के समाहरणालय में जिला पदाधिकारी के समक्ष 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना दिया है। अपने